Hello students. Issue of shares, four feature of shares and the G issue of shares. ये वाला chapter अपना चल रहा है, जिसमें आपने company की books में क्या general entries होंगी issue of shares issue करते समय, and after that अगर ऐसी situation आई कि shares को four feature करना पड़े तो four feature करते समय क्या general entry होंगी उसके बारे में बात हो चुकी थी. अब आता है अपने री इशू ऑफ शेयर्स. नाम से लग गया आपको कि री इशू पुनर्निर्गमन. हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पुनर्निर्गमन होता है. पुनर्निर्गमन किसका होगा? जो एक बार पहले इशू हो चुका है और किसी कारणवश उनका फोरफीचर किया गया, उनको हरण किया गया, उनका जब्त किया गया और आफ्टर फोरफीचर वो किसी और को पुनर्निर्गमित किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स. तो री इशू ऑफ शेयर्स में वही बात वही आती है कि व्हाट विल बी द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जिसमें सबसे पहली बात आएगी वही कि अंश का यदि नंबर फर्स्ट यदि पुनर्निर्गमन सम्मूल्य पर. देखिए अंश तो तीन ही मूल्य पर निर्गमित हो सकते हैं, सममूल्य, प्रीमियम या बट्टे पर. और बट्टे का भी मैंने आपको बता दिया है बार बार में कि कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 53 में अब बट्टे पर निर्गमन के ऊपर रोक लगा दी गई है. अगर पहले का कोई कंपनी का है तो वो इस बार. तो यदि पुनर्निर्गमन सममूल्य पर होगा तो क्या एंट्री करेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट. कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. वेदर यू डू द टू एंट्रीज विल बी पास्ड फॉर द सेम. अगर आप इसके लिए एक एंट्री में काम चलाना चाहें तो ये एंट्री होगी. अगर आप इसके लिए कई बुक्स में आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए बुक्स में सबसे पहले एंट्री की हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर नेक्स्ट एंट्री है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक बार क्रेडिट हुआ हाथों हाथ दूसरी एंट्री में ही डेबिट हो गया, इट मींस वो तो खत्म हो गया. तो इसलिए हम डायरेक्ट ये एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. क्योंकि एक इसका कारण ये भी है, डायरेक्ट एंट्री इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि री इशू के समय ऐसा नहीं होता है कि कुछ पैसा एप्लीकेशन में मांग लेंगे, कुछ अलॉटमेंट में मांग लेंगे, कुछ फर्स्ट कॉल में मांग लेंगे, ऐसा नहीं होगा. इसमें जितना भी पैसा मांगा जाएगा क्योंकि कंपनी ने जो शेयर्स बेसिक शेयर्स जो इशू करे थे उस समय ये तो डिसाइड कर लिया था कि कितना एप्लीकेशन पर है, कितना अलॉटमेंट पर है, कितना कॉल पर है क्या. अब उन 100, 200, 500, 1000 शेयर्स के लिए जिनका कि फोरफीचर किया गया उनके लिए वापस इस तरह की डिसाइड नहीं होगा कि भाई इनके भी कोई एप्लीकेशन मनी होगी अलग से और अलॉटमेंट मनी कुछ और होगा या वो होगा. इनमें तो डायरेक्ट ये जनता को दिया जाएगा कि भाई इतने शेयर हमारे पास में है, इतने रुपये हम दे रहे हैं, आपकी मर्जी तो ले लीजिए, जो अप्लाई करेगा उसको मिल जाएंगे. तो डायरेक्ट इसमें देर इज नो ऑप्शन ऑफ एनी कॉल्स. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल एंट्री. और निरीक्षण आप जानते ही हैं इसका तो सिंपल एंड है कि इतने शेयर्स री इशूड एट पार. और आप क्लियर करना चाहें तो इस नरेशन को तो इसमें ही आ जाएगा एट पार. अब बात आती है कि अगर नए अंशों का जो निर्गमन है पुनर्निर्गमन जो है वो प्रीमियम पर, यदि पुनर्निर्गमन प्रीमियम पर हो, री इशू ऑन प्रीमियम, री इशू ऑन प्रीमियम अगर होगा तो कंपनी अपने बुक्स में एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसा कि एट पार के समय करती है. ये तो एंट्री होगी होगी. उसके बाद में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑल्सो विल बी क्रेडिटेड इफ द शेयर री इशू ऑन प्रीमियम. तो और निरीक्षण हो जाएगा शेयर्स री इशूड
on premium, reissued on premium. बिल्कुल सिंपल एंट्री जो इसमें होती है बेसिक में, रीइश्यू ऑन प्रीमियम में बैंक अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सिक्योरिटी प्रीमियम ऑल्सो विल बी क्रेडिटेड फॉर द प्रीमियम. अब बात आती है कि रीइश्यू अगर मान लीजिए कि डिस्काउंट पर हो, बट्टे पर, तो रीइश्यूड ऑन डिस्काउंट, रीइश्यूड ऑन डिस्काउंट, तब कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, आप देखिए. वैसे अगर सिंपल इशू होता और पहली बार कंपनी किसी शेयर का इशू कर रही है और डिस्काउंट पे कर रही है, तब आप क्या लिखते हैं यहां पर? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट टू शेयर डेबिट. ये लिखते कब? जब आप पहली बार अंश का निर्गमन कर रहे हैं. कोई कंपनी पहली बार निर्गमन करी, लेकिन ये पहली बार नहीं है, हम बात चल रही है पुनर्निर्गमन की, रीशूट की. तो रीशूट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट नहीं शो किया जाएगा और इसकी जगह किया जाएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट किया जाएगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट. अब आपके मन में ये प्रश्न आता है कि सर डिस्काउंट है और डिस्काउंट की जगह शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट क्यों होगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, इसका जवाब यह है, इसलिए होगा क्योंकि जिन शेयरों का कंपनी ने हरण किया है, मान लीजिए 100 शेयर का हरण किया या 1000 का किया, मान लीजिए 1000 कंपनी, 1000 अंशों का कंपनी ने हरण किया, हरण करते समय कुछ ना कुछ पैसा तो कंपनी के पास भी जरूर आया हुआ था ना उसका, क्योंकि अगर एप्लीकेशन मनी तो मिनिमम आई हुई होगी. बिना एप्लीकेशन मनी आए तो कंपनी जानती ही नहीं है कि कौन व्यक्ति है और मेरा कौन शेयर होल्डर है. बिना एप्लीकेशन मनी के कैसे जानेंगे? तो एप्लीकेशन मनी तो जरूर आई होगी, मतलब कुछ ना कुछ पैसा तो उसका आया होगा. तो जब हरण कर लिया कंपनी ने उनके अंशों का, तो वो पैसा जो अंशधारी के द्वारा आया हुआ था वो एक तरीके से कंपनी के पास में फालतू ही है ना, इनकम फालतू की इनकम है ना, मतलब उसके लिए कोई एफर्ट्स कंपनी ने नहीं किए ना था. तो वो इनकम जो है वो हमारे आपने हरण करते समय जो जनरल एंट्री की है उसमें शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में प्राप्त राशि से एंट्री हुई है, वहां पर वो क्रेडिट अमाउंट बोल रहा है, वो इनकम है, क्रेडिट में है. तो जब उन्हीं शेयर को हम रीइश्यू कर रहे हैं और डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो डिस्काउंट पे करने का मतलब है, डिस्काउंट पे करने का मतलब है कंपनी को नुकसान होगा. तो हम उसी शेयर की बात कर रहे हैं और कंपनी एक एंट्री में कहेगी इन शेयर पे मेरे को इतना फायदा है, हरण किया इसलिए, और उन्हीं शेयर को रीइश्यू किया तो फिर कह रहे इतना नुकसान है, ऐसे नहीं होगा ना. तो जो नुकसान हो रहा है कंपनी को रीइश्यू करने पर, वो क्यों ना उन्हीं शेयर पर जो पहले फायदे की अमाउंट पड़ी है उसमें से वसूल कर लिया जाए. तो वो जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो क्रेडिट हो रखा है, इसलिए अब यहाँ पर उस डिस्काउंट की जगह शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और टू शेयर कैपिटल अकाउंट. बात आ गई समझ में आपकी? अब देखिए, अब कई बार ये प्रश्न आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना कर सकते हैं. शेयर फॉरफिटेड अकाउंट उतना ही डेबिट कर सकते हैं, इसका मतलब भाई आप अभी तो कहोगे कि सर जितना डिस्काउंट होगा उतना ही तो करेंगे. जितना वो डिस्काउंट बोलेगा भाई 100 रुपये का शेयर है और अगर वो 60 रुपये में निकाल रहा है तो 40 रुपये यहाँ लिखेंगे और 60 रुपये यहाँ लिखेंगे, टोटल 100 रुपये ये होगा डिस्काउंट का. लेकिन ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो डिस्काउंट जब री इशू होता है तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है बेटा. इसकी लिमिट है कि जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है इन द बुक्स ऑफ कंपनी, उससे ज्यादा डिस्काउंट पर वो इशू नहीं कर सकती. तो इसका मतलब दिस इज द मैक्सिमम लिमिट उनकी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट कितने से किया जाए. ज्यादा से ज्यादा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उससे कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा बट्टा कंपनी मतलब उससे ज्यादा बट्टे पर कंपनी पुनर्निर्गमन नहीं कर सकती. तो ये हो गए बात रीइश्यू की, जनरल एंट्री की. और अब आता है कि अगर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस मान लीजिए पूरा पूरा डेबिट हो गया, जब तो बात ही खत्म हो गई. अगर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कुछ बच गया फिर भी, तो इन द लास्ट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर दिया जाता है. और तो लास्ट में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में
ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वैसे आपके ये कंपनी अकाउंट जो ये चैप्टर चल रहा है ये 12th स्टैंडर्ड में आपने बहुत अच्छे से भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये इसका रिपीटेशन है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी सेम है। ठीक, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको उसी तरह आपको स्पीडली थोड़ा सा करवाया। तो देखिए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है शेयर फोर्फिटेड अकाउंट के बैलेंस को, तो शेयर फोर्फिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए, कोई भी जनरल एंट्री को आपको रटने की जरूरत नहीं, मगअप नहीं करना है उसको, आपको मालूम है कि किसी चीज को ट्रांसफर करना है, तो शेयर फोर्फिटेड अकाउंट का बैलेंस ऑलरेडी जब क्रेडिट है तो उसको जब आप ट्रांसफर करोगे तो उसको डेबिट करने से ट्रांसफर होगा ना, अगर दोबारा उसको क्रेडिट कर देंगे तो बढ़ जाएगा उधर का बैलेंस, तो उसको डेबिट कर दिया और कहाँ जाना है, कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व, और नरेशन हो जाएगा द बैलेंस ऑफ शेयर फोर्फिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहां पर इश्यू, फोरफीचर एंड री इश्यू, ये सारे की जनरल एंट्रीज कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चंस देखने हैं, आप इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन करेंगे और मैं भी आपको कुछ करवाऊंगा वीडियो में, तो आगे क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।